The crazy tour. Hey guys, I'm back with another topic. आज हम बात करेंगे कि हम YouTube के income के through, YouTube की income generate करके कैसे हम घर buy कर सकते हैं, घर लेने में कितना वक्त लग जाएगा, कितने videos बनाने पड़ेंगे, इस सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस video में. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ने गिव अवे स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करना और लाइक करना, और हम उसमें से बेस्ट कमेंट सिलेक्ट करके 10 रुपीज पेटीएम लाइव ट्रांसफर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक वीक के अंदर. अब मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ पेपर वर्क पे, जिसपे आपको मैं बताऊंगा कि आपको कितनी वीडियोस बनानी पड़ेगी और कितना समय लग जाएगा आपको एक घर बाय करने में अगर आप यूट्यूब के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहते हो. तो चलिए, मैंने पेन और पेपर ले लिया है. अब हमें पूरे करने हैं 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स. तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम 2 वीडियोज बनाएंगे हर रोज फॉर 365 डेज, यानी कि हमने कितने वीडियोस बना लिए पूरे साल में, तो 2 × 365 सो होते हैं 730 वीडियोस, यानी हमने पूरे साल में 730 वीडियोस बना लिए. अब अज्यूम करते हैं हर वीडियो पर 300 मिनट्स का वॉच टाइम तो आ ही जाएगा, तो 730 × 300 वो हमें दे देगा पूरा वॉच टाइम हमारे साल भर का. तो 730 × 300 होता है 219,000. 4000 आवर्स होता है 240,000 मिनट्स, यानी लमसम हमारे 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं. इस 4000 घंटों के साथ हमें 1000 सब्सक्राइबर्स भी मिल ही जाएंगे. तो अब हमारे एक साल में पूरे हो गए 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हम दिन के 2 वीडियो बनाए रोज. तो अब चलते हैं सेकेंड ईयर पर. अब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं. जैसे ही हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, YouTube हमारे चैनल और हमारे वीडियोस को प्रमोट करना शुरू कर देता है. तो सेकेंड ईयर में हमें कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स तो आ ही जाएंगे. याद रखिए, हम दिन के 2 वीडियोस तो अब भी बना ही रहे हैं. अब आते हैं थर्ड ईयर पर. अब हमारे टोटल सब्सक्राइबर्स 10,000 हो चुके हैं. थर्ड ईयर में हमारी सब्सक्राइबर्स गेन करने की स्पीड डबल हो जाएगी, बिकॉज हमारे वीडियोस भी डबल हो चुके हैं. तो अब टोटल हमें 20,000 और सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, तो हमारे टोटल हो गए 10 + 20, दैट इज 30,000 सब्सक्राइबर्स. तो थर्ड ईयर के एंड में हमारे पास 30,000 सब्सक्राइबर्स है. अब चलते हैं फोर्थ ईयर पर. याद रखें, उसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे तो हमें इस साल 30,000 सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे. तो हमारे टोटल सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे 30 + 30, दैट इज 60. सो हमारे टोटल हो गए 60,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर. अब चलते हैं लास्ट ईयर पर, दैट इज फिफ्थ ईयर, और देखते हैं फिफ्थ ईयर के एंड में हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं. इसी तरह वीडियोस बनाते रहे तो फिफ्थ ईयर में हमें कम से कम 40,000 सब्सक्राइबर्स मिल ही जाएंगे, यानी कि हमारा टोटल हो गया 60,000 + 40,000, दैट इज 1,00,000 सब्सक्राइबर्स. यानी कि फिफ्थ ईयर पूरा होते होते हमारे पास टोटल हो जाएंगे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स. अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस समय पे घर कैसे ले सकते हैं. अब चलिए मैं एक और पेपर ले लेता हूँ. हमारे पास टोटल सब्सक्राइबर्स है 1,00,000. अब आज से मैं अगर 2 वीडियोस बनाता हूँ हर रोज, तो कम से कम 1,00,000 में से 50,000 लोग तो मेरी वीडियोस देख ही लेंगे. यानी कि कितने व्यूज हो गए दिन के, 2 × 50,000, दैट इज इक्वल टू 1,00,000 व्यूज. अगर आप पास्ट को देखोगे तो 1,00,000 व्यूज पर YouTube हमें कम से कम 6,000 रुपीज देता है, यानी आप दिन के अब कमा रहे हो 6,000 रुपीज, यानी कि अब हम महीने का कमा रहे हैं 6,000 रुपीज × 30 डेज, यानी 6,000 × 30, दैट इज इक्वल टू 1,80,000. वाओ, अब हम कमा रहे हैं महीने का 1,80,000 रुपये. जैसा कि आपने पेपर वर्क के थ्रू देखा, आप 1,80,000 की मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू. तो अब आप बाय कर सकते हो ईएमआई पर कोई भी घर, और इसके बाद आपकी हर महीने की इनकम दुगनी या तिगनी होते जाएगी, क्योंकि आप हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करोगे और हर रोज़ आपके पिछले वीडियोज़ के भी व्यूज़ आते रहेंगे. इन 5 साल में सबसे डिफिकल्ट पीरियड होगा आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर, जिसमें आपको कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करने होंगे ताकि आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए. एक बार आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, आगे की जर्नी बहुत ही इजी होगी. तो आप मेक श्योर करें कि आप स्टार्टिंग के 1 ईयर में फुल कॉन्सेंट्रेट करें और बहुत सारे वीडियोज़ बनाएं,
जिस पर बहुत सारे व्यूज आए ताकि आपके सब्सक्राइबर और आज पूरे हो जाएं। सेकेंड जो चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना होगा इन 5 सालों में वो है आपका कंटेंट। तो मेक श्योर करें कि आप एक ही थीम पर आपके कंटेंट बनाए, ना कि आप थीम चेंज करते रहे। आपके चैनल एक ही चीज़ पर फोकस्ड होना चाहिए। अगर आप जिम के बारे में वीडियोज बना रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप जिम के ऊपर ही वीडियोज बनाते रहे। तो ये था हमारा फुल प्रूफ प्लान जिससे हम एक घर बाय कर सकते हैं यूट्यूब की इनकम जनरेट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।